अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा ने तकरीबन, मेरे को लगता है ये 2-4 दिन हुआ होगा जिसमें ये बोल रही है कि मैंने रोटी खाना बंद कर दी हूँ, या 5-6 दिन हुआ होगा। और इस वीडियो में बता रही है कि देखो, मैंने रोटी खाना बंद की हूँ ना, तो मेरा पेट अंदर चला गया है। पिटारा, ये तेरे को रोटी नहीं खाने का असर हुआ है या कोई जादू की है तूने? इतना बेवकूफ़ बनाती है भाई ऑडियंस को। और बार बार ये बोलना कि भैर बहुत गर्मी है, हम तो दिन भर एसी में बैठते हैं, दिन भर एसी में बैठते हैं। तो पिटारा, यहीं से तू सोच के तुझे कितना सुख मिल रहा है, तू कितना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही है, फिर भी तू रोती है कि तेरे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, तू तो बहुत कठिन ज़िंदगी जी रही है। सोच के यहाँ पे तो तू दिन रात एसी में बैठती है, कब्र में एसी कौन लगाएगा? तू इतने लोगों की जिंदगियां खराब करके, उनको ट्रोल करवा के, उनके बच्चों को रुला के तड़पा के, अब जाके तू दिन रात एसी में बैठे रहती है, तो सोच के उनकी बद्दुआ तेरे को कहाँ जाके लगेंगी? तू तो एसी की हवा खा रही, और तुझे अल्लाह पाक ने इतनी छूट दी है, तो सोच आगे तेरा होने क्या वाला है। क्योंकि जब अल्लाह पाक ढील देते हैं ना, तो समझ जाओ कि अल्लाह पाक उसकी तरफ देखना बंद कर दिए, उस पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने दुनिया में छोड़ दिए कि जा, तेरी जन्नत इधर ही है। तो तूने तो तेरी आखिरत पूरी ख़राब कर ली है पिटारा, और इंशाल्लाह तू भुगतेंगी, दुनिया में भी भुगतेंगी और आखिरत में भी भुगतेंगी। और इतना जब तेरे को सुख मिला है ना, दिन रात एसी में बैठती है, बच्चे को एसी में से निकलने का दिल नहीं होता है, ये सारा कुछ ना, तो फिर उसका शुक्रिया अदा किया कर, अल्लाह का शुक्र मनाया कर। लेकिन नहीं, तू तो आ जाती है, मैं तो ऐसे ऐसे टाइम निकाली हूँ, ऐसी ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे घर में तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या क्या देखूँ, मैं क्या क्या टेंशन लूँ, मेरा दिल होता है मैं कुछ कर लूँ। किस लिए मारती है वो सारे डायलॉग, बेशरम घटिया औरत की। पिटारा की बड़ी बड़ी बातें कि लोग मुझे प्रमोशन के लिए बुलाते हैं, ओपनिंग के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइजिंग कर दो। तो मैं बस अपनी दुनिया में खुश हूँ, मैं करना नहीं चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता, मैंने आप लोगों के साथ में एक दुनिया बना ली हूँ। ये क्लिप मैं डालती हूँ दूसरे चैनल पे, आप लोग जाके वहाँ पे क्लिप देख लेना। मतलब के ये वही मतलब सलमान ने जो वीडियो डाली कि वो रजब से मिली है, उसके बाद में फिर इतने ये सारी बातें डाली, क्योंकि शर्म तो आई होगी ना कि उसका चैनल देखो और इसका देखो, 1 मिलियन चैनल। कभी कोई कोई चीज़ प्रमोशन के लिए नहीं भेजता है, कभी कोई किसी से मिलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे इसकी औकात पता चलती है। तो इसने सोची कि चलो मैं यहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी फेंकती हूँ और अपनी इज्जत को ढाक लेती हूँ। लेकिन पिटारा, एक बात, पहली बात के मैं नहीं करती हूँ, ये बहुत बड़ा जोक था, क्योंकि तेरे को कोई है ना चाय पीने भी बुलाता है ना, तो तू उठ के, तुम लोग भिखारी की तरह, तुम लोग है ना पूरा के पूरा टोला उठ के चले जाते हो। तुम लोग को कोई घर पे भी खाने के लिए बुलाता है ना, तो तुम लोग मुंह उठा के चले जाते हो। इस तरह की तू हलकट और निचड़ औरत है, मतलब निचड़ मीन्स वो भिखारी टाइप, ये है वो, ठीक है, जिनको फ्री का खाना होता है, फुकट का खाना होता है ना, उस तरह की औरत है। यहाँ तक के देखो कि कोसर के घर पे खाने के लिए बुलाए, मुंह उठाई चल दी, कोई पड़ोसी ने बुलाया है, मुंह उठाई चल दी, मतलब खाने की इतनी भूखी है। आप लोग खुद सोचो कि इसको कोई प्रमोशन के लिए बुलाएंगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगा, करेंगा, तो ये नहीं जाएंगी। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि कोई जो जैसे एक चैनल है ना, कि वो जाके दूसरे की फैमिलियों को इंटरव्यू करते हैं, कोई भी मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी रहती है ना, तो वहाँ पे जाके वो लोग सारा कुछ ये करते हैं, इंटरव्यू लेके और वीडियो डालते हैं। उसका क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मासीर ऐसा कुछ शायद नाम है। तो वो बंदे को जब इसका केस बताया गया ना, तो वो बोला छी, ये औरत का बिल्कुल भी नहीं पड़ना मुझे इसके लफड़े में, क्योंकि ये बहुत गंदी औरत है। आप लोगों को नहीं पता है कि ये औरत का बैकग्राउंड क्या है, तो मुझे इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। किसी क्या नाम है, टेक्निकल बंदे से जब पूछा गया चैनल को ठीक करने के, या चैनल के हवाले से फिर पूछा गया कि मेरा चैनल है ना इस हवाले से है, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ या मैं इसकी सपोर्टर हूँ, तो लोग बोल रहे किस गंद में पड़े हुए हो, कितनी गंदी यूट्यूबर है वो, इससे दूर रहो, इससे निकलो, कोई भी इसके बारे में ना बात करना पसंद नहीं करता है, ये इसकी है ना पहचान है YT पे। और ये बोल रही है लोग मुझे बुलाते हैं, और जो मैंने बोली हूँ ना, यासिर सामी ऐसा कुछ नाम है ना वो चैनल का, जो लोगों के इंटरव्यू लेता है और सारा कुछ, वो इससे दूर भागता है, बोलता है बहुत गंदी औरत है, पता है आप लोगों को।
और ये क्या बोल रही है कि लोग मुझे बुलाते, क्या करेंगे तेरा इंटरव्यू लेके, क्या पूछेंगे कि जीजा के साथ में 4 घंटा तुमने कैसे लिया, इतना स्टेमिना कहाँ से आया, और जीजा को कैसे बुलाया था, टिकट कब अरेंज की, होटल कब बुक की, फिर वहाँ से कैसे टैक्सी में छोड़ने आया, ये तुम्हारा इंटरव्यू लेगा कोई? अरे पिटारा, शर्म कर बेशर्म, तेरी क्या इमेज है ना वो हमें पता है, जो तूने ये रखी थी ना अपना मीटअप, उसमें कौन कौन आया था ना वो हमने देख लिए, अगर तू इतनी अच्छी होती ना तो मीटअप में तो लोग एक दूसरे के जाते, लोग एक दूसरे को शाउट आउट लेते भी है और देते भी है, लोग अपनी पहचान बढ़ाने के लिए जाते है, और तू, तेरे मीटअप में देख कौन था, सिर्फ और सिर्फ वो बंदे थे जो अपने चैनल न्यू न्यू खोले थे, और तू बातें करेंगी कि तू नहीं जाती है, अरे तेरे को कोई बुलाएगा तो तू जाएंगी ना, ये तेरी औकात है पिटारा, जिस कंट्रोवर्सी से तू यहाँ तक आई है ना चैनल पे सब्सक्राइबर खरीद खरीद के, तेरी कंट्रोवर्सी वाईटी पे है ना सबसे ज़्यादा गंदी और घटिया कंट्रोवर्सी है, तेरे से लोग है ना थूकते हैं तेरे ऊपर, तेरे से घिन्नाते हैं कि ये औरत से दूर रहो, क्योंकि तेरे चैनल से पहले का भी बैकग्राउंड उन लोगों को पता है कि तू कौन सा काम करती थी, पार्लरों में जाके फिर क्लाइंटों के पास जाना, तेरे ऐसी औरत से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, तेरे ऐसी औरत के पास में सिर्फ वही और लोग जुड़े हुए हैं जो तेरे जैसे, समझ आई, वही लोग तुझे सपोर्ट करते हैं जो तेरी तरह उनका बैकग्राउंड हो या तेरी तरह उन लोग है, तेरी तरह जिंदगी निकाले है ना, वही लोग तेरे साथ में और तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रही बात प्रमोशन की, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि लोग है ना अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि किसी ने किसी को बोल दिया कि इसको सपोर्ट करो और पब्लिक पहुंच जाती है सपोर्ट करने के लिए कि नहीं भाई, हमें हमारे भाई ने बोला है, हमें हमारी बहन ने बोला है, हम इसके फैन हैं, तो वो लोग है ना फिर उसकी सुनते हैं, ऑडियंस उनकी सुनती है, तो वैसे लोगों को है ना लोग प्रमोशन के लिए बुलाते भी है और उनको अपना प्रोडक्ट भी देते हैं कि आप लोग प्रमोट करो, इसका देख लो आप लोग कि कोई एक बंदा अगर इसके सपोर्ट में भी आ जाता है ना, तो उसकी भी सारी काली चिट्ठी चाटा सारा कुछ वाईटी पे आ जाता है, वो बदनामे जमाना हो जाता है। आप लोग देखो कितनी सारी एक्ट्रेस है जो बहुत सारी ना बदनामी से गुजरी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ लेकिन बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, आप लोग उनको देख लो, क्या कोई उनको प्रमोशन के लिए बुलाता है, कोई उनको ओपनिंग के लिए या ये सब चीजों के लिए बुलाता है, कोई नहीं ना, पता है ना कि बदनामे जमाना के साथ में क्या हमारी ये होगी, इज्जतदार लोग थोड़ी ना जुड़ेंगे, वैसे ही लोग जुड़ेंगे जैसे एक्टर है वो, जैसे कि पिटारा, पिटारा के जैसे ही लोग जुड़ेंगे, बाकी ये विश्वास दिलाने के लिए जो बोली है ना, मेरा चैनल देखो कितना बड़ा है, मुझे तो आते हैं, पिटारा चैनल से नहीं इंसान की इज्जत से आते हैं जो तेरे पास टके की भी नहीं है, इसका जो ये वाला डायलॉग था ना इससे साफ पता चल रहा था कि ये सलमा को टारगेट कर रही है, सलमा को बोल रही है कि देख लो भाई वो अगर इतने से चैनल को लेके जाके रजत से मिल सकती है ना तो मुझे तो मेरा चैनल तो देख लो कितना बड़ा है, तो लोग मुझे इज्जत देते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं, ये करते वो करते, वो तो मैं ही हूँ, मैं निकलती नहीं हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, जो औरत बिना घर से बैर कदम रखे हुए एक दिन भी नहीं निकालती है, अगर घोंचू नहीं रहेगा तो रमजान के साथ में निकल जाती है, अनीता को लेके निकल जाती है, बच्चों को लेके निकल जाती है, जिसके घर में पैर कदम टिकते ही नहीं है वो औरत कह रही है कि मैं तो घर में से निकलती ही नहीं हूँ, जिसके पास में कोई कंटेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप लोग खुद सोचो अगर लोग इसको बुलाएंगे तो लोग अगर इसको बुलाते हैं तो इसका तो अच्छा खासा कंटेंट बनेगा, लेकिन इसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, कितने सारे मीटअप हुए अच्छे अच्छे यूट्यूबरों के, किसी ने इसको इनवाइट नहीं किया, किसी ने इसको नहीं बुलाया, तो यहीं पे पता चलता है पिटारा कि तेरा कितना बड़ा चैनल है और तू कितनी मशहूर है, जमाना बदनाम है, जब बेचारी को कोई नहीं बुलाता है ना तो फिर ये पैसे लगा के अरेंजमेंट करती है, आप लोगों ने देखा होगा अवार्ड शो में जा रही हूँ, बेस्ट ब्लॉगर, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे ब्लॉगर है पाकिस्तान में, और उन सबको छोड़ के इसको बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला, समझ आ रही है बात आप लोगों को, कि ये खुद ही वो पैसे लगा के अरेंज करके वो फंक्शन इसने रखवाई ताकि कंटेंट बने और लोगों को लगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, चलो भाई इसको बुलाओ, खाने पे बुलाओ, शॉर्ट आउट लेने के लिए बुलाओ, हर जगह पे इसको बुलाओ, प्रमोशन करवाओ, ये इसकी नियत थी, लेकिन लोगों ने इसको थूकना भी पसंद नहीं किए, ये बोल रही है लोग मुझे बुलाते हैं मैं नहीं जाती,
अरे पिटारा, लोग तुझे बुलाए इसके लिए तूने बड़ी एड़ी चोटी के जोर लगा दी, लेकिन फिर भी लोग तुझे नहीं बुलाते, कोई तुझे नहीं जानता। और जो जानते भी है ना, तो वो तुझे एक गंदी औरत से जानते हैं जो तेरे से दूर भागते हैं। तो तेरी सच्चाई ये सारा कुछ बोल के तू छुपा नहीं सकती है, हमें तेरी सच्चाई अच्छे से पता है कि तू किस किस्म की औरत है और तू कितनी गंदी औरत है। आप लोगों को याद होगा, एक औरत ने कॉल की कि मैं आप लोगों को खाने पे होटल में बुलाना चाहती हूँ। इन लोगों ने फौरन चले गए होटल, वहाँ पे उसने एक छोटा सी क्लिप बनवाई कि मुझे थोड़ा सी शाउट आउट दे देना। इसने वो क्लिप बना के खाना वाना खा के गिफ्ट वगैरह लेके घर पे आके फिर इसने उसका वो क्लिप डिलीट कर दी। वीडियो में डालने की बजाय इसने डिलीट कर दी। सोचो कितनी हलकट है, इसको तो कोई आम इंसान भी बुलाता है ना कि आओ मैं तुम लोगों का खाना खिलाती हूँ, तो ये जबान बाहर है ना, लाल टपकाते टपकाते पहुंच जाते हैं इस किस्म के ये लोग है। आप लोगों को याद होगा कि ये कश्मीर वगैरह गए थे, फिर वहां से किसी ने इसको, जो डीडी का दोस्त था उसने पिज्जा का कोई शॉप खोला था, वहां पे इसको बुलाए थे कि आप आना, तो ये वहां पे पहुंच गई थी। बाद में पता चला कि डीडी ने सामने से बोला था कि हम लोग आ रहे हैं, तो बेचारे को फुकट में खिलाना पड़ा। इतनी तो ये हलकट औरत है, ये बोल रही है लोग मुझे बुलाते मैं नहीं जाती, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। हाँ, तू अपने यारों में खुश है, क्यों नहीं आएंगी? जब कोई नहीं मुंह लगाता है तो जाहिर सी बात है यारों में ही खुश रहेंगी ना। बाकी तू हलकट कितनी है वो हमें अच्छे से पता है पिटारा, इंदा ये सब डायलॉग मत मारना, इसमें तेरी ही इज्जत जाती है, हमारा कुछ नहीं है। बाकी पिटारा एक्टिंग कितनी अच्छी करती है ना, बच्चों से जब पूछ रही थी कि कहाँ जाना है, नारायण जाना है, कागान जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो बच्चे नहीं 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 कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले से पता था कि आउट ऑफ कंट्री जा रही है ये, इसके लिए बच्चे पहले ही नहीं 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 कर रहे थे। और ये क्या बोल रही है, मैं सरप्राइज दूंगी आप सभी को, मैं सरप्राइज दूंगी। अरे झूठी मक्कार औरत, बच्चों के भाव भाव से ही समझ में आ गया, पता चल गया कि सबको घर में पता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाकी एक बात के ऊपर आप लोगों ने गौर किया, मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि ये बाहर कहीं जाने वाली है, और ये खाली शुरुआत है, बाकी ये इसका इरादा यही है कि हमेशा हमेशा के लिए ना ये बच्चे लेके बाहर चले जाए। अब होता है नहीं होता है वो तो वक्त बताएगा। बाकी जब ये फातिमा की शादी में गई थी, वहीं से ये चौकी गई थी, जाहिर सी बात है वो अपना क्लियर करना होता है, जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो दिखाना होता है, तो वो सारा कुछ ये अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड पैसा दे के क्लियर करवा रही थी, तो ये वहां से चौकी गई हुई थी। और वो बात मेरी अब जाके सच्ची साबित हो गई, देख लिया आप लोगों ने, मैंने बोली थी ना ये बाहर जाने की तैयारी कर रही है, तो बता दी इसने कि ये लोग बाहर जाने वाले हैं। बाकी यहाँ कहाँ जाने वाले हैं, वो तो इतने सस्पेंड रखी है और सरप्राइज देंगी जिसको, जो कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। और बोल क्या रही है कि हम पूरा साल वेकेशन का वेट करते हैं। अरे भाई पूरा साल तो तू वेकेशन मनाते रहती है, कभी तू कश्मीर चली जाती है, कभी गांव चली जाती है, कभी पहाड़ों पे चली जाती है, कभी तू मीटअप कर रही होती है, कभी तो तू बर्थडे करने के लिए फार्म हाउस चले जाती है, तो यही सारी चीजें रहती है जो लोग हर साल करते हैं एक एक करके, तू पूरा साल करती है, फिर तू जाती है आउट ऑफ कंट्री और बोलती है कि हम पूरे साल वेट करते हैं। वाह पिटारा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से कंठालती है उनको, जब देखो जब छुट्टी करा देती है, कभी शादी के बहाने भागती है, तो कभी घूमने के बहाने, कभी बर्थडे के बहाने, तो कभी क्या मीटअप ये वो, पूरा साल औरत तैयारियां करती है। और फिर इसका डायलॉग कि हम पूरा साल है ना वेकेशन का वेट करते हैं, दिल पिटे मुंह तेरे पिटारा। टिंग कितनी करती है ना, जे जे अपने बैग लेंगा, अपने कपड़े खुद लेना, मैं वहां पे कुछ नहीं दिलाऊंगी, और कैमरा इसके मुंह पे ही है, जैसे बहुत अच्छी लग रही है छिछोरी कहीं की, मुंह से ही समझ में आ जाता है कितनी बड़ी मक्कार और झूठी औरत है। अब बोल रही है अच्छा बाहर जाने के लिए ही ना मैंने अपना वजन कम किया है ताकि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तूने क्यों वजन कम किए, वहाँ पे अच्छे कपड़े पहनने का है या, समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे पिछली बार ये गई थी तो मुंह काला करके आई थी, जाने से पहले भी मुंह काला करके गई थी, बस ये सारे काम इसको वहाँ पे निपटाने हैं, इसके लिए बोल रही है कि मैंने वजन कम किया है। सबसे पूछ रही है तुमको कौन सी कंट्री पसंद है, तुमको कौन सी, तुमको कौन सी। अरे रहने दे पिटारा, बड़ी बड़ी बातें तेरी, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है, सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ टिकट वगैरह सब हो गई है, पूछ क्यों रही है तू, ड्रामे करती है क्या, एक्टिंग कर रही है, बाहर की ट्रिप का अचानक तो नहीं हो जाता है ना, तैयारियां तो तू सालों से कर रही है, कितने टाइम हो गया ये फातिमा की शादी को, फातिमा की शादी से ये 3 महीना पहले से तैयारी कर रही है, और अभी ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे ये लोग बोलेंगे तो फिर मैडम टिकट करवाएंगी, मक्कार। इसीलिए तो इसने अपनी माँ को भेज दी थी, वरना सोचो ये अपनी माँ को भेज के फिर रोना धोना क्यों नहीं की। मैंने आप लोगों को बोली थी ना ये अपनी माँ को पाकिस्तान से वहां भेजेंगी
फिर ये आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए जाएंगी, जो कि इसको अपनी माँ को नहीं ले जाने का था साथ में। हो गई मेरी बातें सच्ची? क्यों नहीं रो रही है अब माँ के लिए? क्यों नहीं बुला रही है माँ को? यही लिए नहीं बुला रही है, जब ये बाहर से घूम के वापिस आएंगी ना, फिर अम्मा अम्मा करके रोएंगी और अम्मा को बुलाएंगी ताकि चल अम्मा खाना बना, नौकरानी की तरह काम कर। हो गई मेरी बातें सच्ची? तो ड्रामे है ना पिटारा, ऐसे कर मत कि जैसे तू अब भी तैयारियों में लगी है। तैयारी तो तेरी 8 महीने से चल रही है बाहर जाने की, जिसके वजह से अम्मा को तूने लात मार के निकाल दी। ऐसे तो अम्मा अम्मा करती है, अम्मा को साथ में ले जाने के लिए मौत आ रही थी, अम्मा को वहां भेज दी सऊदी। आई बड़ी अम्मा की बेटी भाई, अब जाके वापिस नहीं आ जाती ना, तब तलक के रोज दिमाग खाएंगी। मैं ये खरीद रही हूँ, मैं ये पैंट निकाली, मैंने ये शर्ट निकाली, मैंने ये लेगी निकाली, मैंने ये निकाली वो ले जाने का, ये खरीद रही हूँ वो खरीद रही हूँ। बस भाई अब ये जाके वापिस आए तलक के सबके है ना दिमाग का भजिया बना देंगी, भुरता बना देंगी, सबके दिमाग खा जाएंगी। क्योंकि पता है कोई भी कंटेंट ना ये बना के च्युइंगम की तरह लंबा खींचती है, बहुत ज्यादा है ना लालची, और क्या बोलूँ यार, बहुत लालची औरत है। बाकी ड्राई फ्रूट निकाल के खा रही है, अम्मा बोलती थी ड्राई फ्रूट खाया करो, सर दुखते रहता है। भाई सर से ड्राई फ्रूट का क्या लेना देना, रोटी बन की हूँ तो वजन कम हो रहा है, तो ड्राई फ्रूट खा रही हूँ तो ताकत आएंगी, तो सर का दर्द कम होगा। ये क्यों नहीं बोलती है एनर्जी ला रही है, वहां पे जाना है ना, पता नहीं कितनों को, समझ गए ना, उसके लिए। आई बड़ी ड्राई फ्रूट खा रही है फिर भी रोते रहती है, मेरी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, दुर पिटे मुंह तेरे। और इसी वीडियो में ये शुरू भी हो गई भाई कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, तो चलो मैं जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग करना है, बोली ना मैंने दिमाग खाना शुरू। बाकी बोल रही है हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे घूमेंगे ये वो। अरे जाहिल औरत, यही बोल सकती है तू, नहीं जाती ना, चले जाती नारायण कागान जहाँ तलक के तेरी औकात है। खैर बातें वहां यहाँ पे ये करनी थी कि देखो जरा पूरी फैमिली एक जगह खड़े हो गई, अनीता को दे दिए कैमरा के, कैमरा लेके खड़े रहे, रुक जा हम लोग ना एक्टिंग करेंगे बहुत गंदी वाली, तो तू है ना शूट कर लेना कि हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे। चलो तुम टैक्सी वाले को बोल देना, तुम ऐसे बोल देना, आई वॉन्ट टू गो बीच, आई वॉन्ट टू गो पार्क, वाह पिटारा वाह। कितना स्क्रिप्ट वाला कंटेंट बनाएंगी, कितने स्क्रिप्ट लिखेंगी, और एकदम जाहिल दिखती है तू, ये सब क्लिपे ऐसे बनाती है ना, ऐसा लगता है कितनी गवार और जाहिल औरत है। जैसे शुक्र है इब्राहिम की ट्रॉली आखिरकार इसने दे दी कौसर को, जो खुद ही मुंह से बोल रही है कि आयत ने कब्जा किया हुआ था। तो पिटारा तू कितने बड़े दिल की मालिक है ना, वो दिखता है। पता नहीं तोड़ फोड़ दी होंगी अब इसकी छोटी अली बेटी ने, अब ले जाके ये उसको दे रही है, कितनी लालची औरत है ना ये। बाकी ये बात तो मैं मानती हूँ यार कि कौसर के घर में है ना कोई तो रहता है जो कौसर के साथ है। अब देखो इन लोगों ने ऐसे जताए कि हम लोग ना अचानक से कौसर के इधर जा रहे हैं, बाद में फिर इसके मुंह से निकल ही गया, जब कौसर चाय बना के लेके आई तो इसके मुंह से निकला कि गुड़ वाली चाय है। हाँ मुझे ये बोल रहे थे कि कौसर गुड़ वाली चाय बना रही है, मतलब के इन्फॉर्म करके आए थे ना, तो इन्फॉर्म करके आने की क्या जरूरत है, मतलब कि कुछ ना कुछ छुपाना होता है, तभी तो इन्फॉर्म करके आते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बंदा छुपा दे, तो इससे तो पता चलता है कि गोलमाल तो है। बाकी पिटारा इतनी अच्छी बनती है, मेरा लाल मेरा कलेजा मेरा गुर्दा मेरा फेफड़ा करती है बच्चे को लेके, और कपड़े दिखावे कर करके देती है। तो जो तू इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है कौथर को भी लेके जाती, तू तो बहुत अच्छी है ना, उसको भी लेके जाती ना। अब सोचो कि इसकी बजाय अगर वो कौसर के साथ में कहीं घूमने जाए, इसको इसके बच्चों के साथ में अकेले घर पे छोड़ के, तो कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे कौसर को जब इस तरह से ट्रीट किया जाता है ना, तो किसी को बुरा नहीं लगता है भाई। मैं तो वही बात बोल रही हूँ जो पिटारा जताती है कि वो कौसर उसकी वाइफ है ना गोंचू की, तो फिर छोड़ के क्यों जाते है, लेके जाया करो। यहाँ तलक के पाकिस्तान में भी कहीं घूमने जाते हैं, एक जगह भी आप लोगों ने देखे होंगे कौसर को आज तक के इसने कहीं पे भी घुमाया हो, एक पार्क में तलक के इसने अकेले कौसर को कभी नहीं लेके गया है, तो कहाँ से इसकी वाइफ है भाई, और है तो फिर लेके क्यों नहीं जाते, क्यों इसके ऊपर जुलुम कर रहे, बद्दुआ ले रही है पिटारा कौसर की। लानती जिसके नाम पे तूने कमाई है उसको घर में फेंक के अय्याशियां करते घूमती है, बहुत जलील औरत है भाई, बहुत जलील। बात नहीं समझ आई, अगर ये शॉपिंग के लिए बच्चों को साथ में लेके अगर ये शॉपिंग करके ही खाली आई है कौसर के इधर से जाके, तो इसको ये नहीं पता कि खरीदे क्या क्या है। जब तैयबा सारे हेयर बैंड निकाली तो ये ऐसे पूछ रही है, अरे तुमने इतने सारे हेयर बैंड लिए, अच्छा ये वाला भी लिया, अच्छा ये वाला भी लिया। मीन्स के गोचू इसको कहीं पे छोड़ के फिर बच्चों को शॉपिंग करवाया,
इसको लेकर आया, तभी तो इसको नहीं पता ना कि क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे। अगर ये साथ में थी तो इसको कैसे नहीं पता कि बच्चों ने खरीदे क्या। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ये थी और फिर बाद में इसने ना पेमेंट देते टाइम पे, जैसे कि चीजें दिखाते हैं वहां पे पेमेंट होती है, ये वहां पे नहीं थी खरीदारी के टाइम पे, ये वहां पे नहीं थी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मीन्स के यहाँ पे ये बात जाहिर सी बात है कि लग ही रही है ना कि हाँ ये कहीं और थी और बच्चों को लेके घोचू अकेले शॉपिंग करवा के आया है। इससे यहाँ पे एक बात और देखने को मिलती है कि ये तैयबा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कि वो क्या खरीद रही है, क्या ले रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, अजीब सा बिहेव करती है। अच्छा तुमने ये कर लिया, अच्छा वो कर लिया, और जब आयत के कपड़े दिखा रही है तो आयत ने ये पसंद किया, आयत के लिए मैंने ये ली वो ली, मतलब बच्चों में इतनी ज्यादा हेरा फेरी करती है, एक बच्चे को देखती है एक को नहीं देखती है। लानत है पिटारा तेरे ऊपर। आज तक के ऐसा एक भी वीडियो आया जहाँ पे ये आयत को या मुस्तफा को मार रही होंगी, लेकिन तैयबा के लिए ना बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, कभी घोंचू मार रहा होता है, कभी ये मार रही होती है। तैयबा से पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है या क्या है ऐसा जो तैयबा के साथ में ये इस तरह से बिहेव करती है। शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को। बच्चों को दो नजर से देखते हैं ना, मेरे को तो जरा अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे लोग। खैर चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।